हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्नर का उपसर्ग संयोजक सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो ये जो आपका टॉपिक है मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अल्फ्रेड वर्नर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1893 में ये थ्योरी जो है वो प्रस्तुत किया था, और इसके लिए उन्हें 1913 में जो है वो नोबेल पुरस्कार से जो है वो सम्मानित भी किया गया। यहाँ पे आप देख रहे हो, अल्फ्रेड वर्नर ने उपसर्ग संयोजकता सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1893 में जो है वो किया हुआ है, 1893 में, और जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से जो है वो सम्मानित भी किया गया है। ये जो अल्फ्रेड वर्नर है, उन्हें जो है वो फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। मतलब जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, उपसर्ग संयोजक जो रसायन है, उसका इन्हें जो है वो जनक कहा जाता है। इन्हें जो है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो है वो फादर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे थ्योरी जो है वो प्रस्तुत किए हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए। तो चलिए उन्हीं थ्योरी को हम जो है वो एक एक करके समझेंगे। और अगर हम बात करें 1893 में, तो ये काफी पुराना टाइम होता है, तो उस पुराने टाइम में भी इन्होंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ऊपर जो है वो काफी अच्छे अच्छे थ्योरी जो है वो यहाँ पे जो है वो बताए हैं इन्होंने। एक एक करके हम इनके थ्योरी को जो है वो समझेंगे विद डायग्राम। तो सबसे पहला यहाँ पे हम देखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु की दो प्रकार की संयोजकताएं होती है। तो क्या होता है सेंट्रल मेटल, मैंने आप लोगों को अपने पहले वाले नोट्स में जो है वो बताया हुआ, इस चैप्टर का पहला नोट्स में आप लोगों को मैंने सेंट्रल मेटल के बारे में बताया हुआ है कि सेंट्रल मेटल जो है वो क्या होता है। तो वर्नर सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन तो मैं आप लोगों को बताऊंगी ही, बट यहाँ पे जो डायग्राम है उससे हम जो है वो इनके पहले वाले थ्योरी को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये डायग्राम के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे कोई भी कोष्टक जो है वो नहीं लगा है। मैंने आप लोगों को जो पहले चैप्टर में बताया था ना कि वहां पे जो भी उपसर्ग संयोजक यौगिक होते थे, कंपाउंड होते थे, वहां पे जो है वो कोष्टक लगा हुआ होता था, कोष्टक लगा हुआ होता था, लेकिन यहाँ पे कोई भी कोष्टक जो है वो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि उतने पुराने टाइम में कोष्टक का जो है वो आविष्कार नहीं हुआ था। मतलब कोष्टक बना रहा होगा, लेकिन उसे किसी कंपाउंड के अंदर जो है वो नहीं रखते थे। तो ये जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं काफी पुराना थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग ये जो डायग्राम है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हालांकि अलग अलग साइंटिस्ट ने धीरे धीरे करके इनमें बहुत सारी कमियां भी निकाली थी, तो उन्हीं कमियों को पूरा करते करते इन्होंने काफी अच्छे अच्छे सिद्धांत भी जो है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रस्तुत किए हैं। लेकिन ये जो वर्नर साइंटिस्ट थे, उन्होंने काफी पुराने समय में इस प्रकार की संरचना जो है वो बनाया हुआ है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम एक एक करके जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो सेंटर में रहे, जो केंद्र में रहे, उसे हम केंद्रीय धातु परमाणु जो है वो कहते हैं। मतलब सेंट्रल मेटल आयन जो है वो कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो सीओ कोबाल्ट, और यहाँ पे आपका लिखा है 3+, मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3 है। तो अगर हम इसका केमिकल फॉर्मूला देखें तो इसे हम जो है वो इस प्रकार से लिखते हैं। ये पहले का है जब कोष्टक वगैरह नहीं लगता था उस समय, तो COCl3 6NH3। तो अब हम जो है वो इसे कोष्टक के अंदर लिखते थे, लेकिन पहले कोष्टक जो है वो नहीं लगा होता था। तो ये है आपका फॉर्मूला, और इसी से रिलेटेड यहाँ पे जो है वो डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो सीओ कितना है, केवल 1 है, तो बीच में हम लोगों ने सीओ को रखा हुआ है। इस सीओ के साथ जो है वो 3 Cl जो है वो जुड़े हुए हैं, जिसमें जो है वो निगेटिव चार्ज है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो Cl जो है वो तीनों Cl जो है वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है 6NH3, मतलब ये जो NH3 है वो 6 है, और ये जो 6NH3 है वो भी इसके साथ, इस कोबाल्ट के साथ जो है वो बॉन्ड बना करके जो है वो जुड़े हुए हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे दो प्रकार की लाइन आप लोगों को शो हो रहा है, एक तो डैश 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 वाला लाइन शो हो रहा है, और एक तो एकदम स्ट्रेट हो रहा है जहाँ पे कोई भी डैश जो है वो नहीं लगा है। तो आखिर ये दोनों क्या है, इसी चीज के बारे में वर्नर ने जो है वो थ्योरी प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु की दो प्रकार की संयोजकताएं होती है। पहला है प्राथमिक संयोजकता, जिसे हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, और दूसरा है द्वितीयक संयोजकता, मतलब जिसे हम सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। सबसे पहले तो हम प्राइमरी वैलेंसी देखेंगे कि क्या होता है, और किसी कंपाउंड में जो है वो प्राइमरी वैलेंसी कैसे होता है, कैसे इसे हम दर्शाते हैं, सभी चीजों को हम जो है वो एक एक करके समझेंगे। पहला चीज, प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है और इसे टूटी रेखा से दर्शाते हैं, और यह सदैव ऋणायन से संतुष्ट होती है। अब पहला पॉइंट क्या कहा गया है
कि ये जो प्राथमिक संयोजकता है मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनिक होती है। तो यहाँ पे आयनिक आप लोगों को कौन कौन सा शो हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो ये आयनिक है, ये जो Cl- ये भी आयनिक है। तो पहला पॉइंट तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि प्राथमिक संयोजकता जो है वो आयनिक होती है, इसे टूटी रेखा से जो है वो दर्शाते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो डैश 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 करके हम लोगों ने इसे जो है वो दर्शाया हुआ है, ये जो आपके CO और Cl के बीच जो है वो बॉन्ड बना हुआ है उसे हम लोगों ने डैश 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 करके जो है वो दर्शाया हुआ है। यह सदैव ऋणायन से संतुष्ट होती है। अब ऋणायन से कैसे संतुष्ट होती है देखते हैं। यहाँ पे जो आपका Cl है उसमें निगेटिव चार्ज है, किसी भी अगर आपको एटम दिख रहा है अगर उसमें निगेटिव चार्ज है उसका मतलब आप क्या समझते हो कि उसके पास इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास है जो कि वो डोनेट कर सकते हैं। तो अब ये क्या करेंगे, ये जो Cl- है वो अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके इस CO के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो CO में जो है वो 3+ चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, तो दोनों आपस में जो है वो मिलकर के बॉन्ड बना लेते हैं, दो इलेक्ट्रॉनों की आपस में साझेदारी करके ये जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट आप लोगों को समझ आया कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो हमेशा आयनिक होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये CO की जो है वो प्राथमिक संयोजकता कितनी है, मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कितनी है, तो इसका प्राइमरी वैलेंसी जो है वो 3 है। 3 क्यों है, क्योंकि ये 3 Cl के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो Cl है वो आयनिक होते हैं क्योंकि इसमें जो है वो निगेटिव चार्ज है और इनसे जो है वो ये डैश 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 करके बॉन्ड बना करके जुड़े हुए हैं। और तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि यह सदैव ऋणायन से जो है वो संतुष्ट होती है। तो यहाँ पे ऋणायन कौन है, Cl है। ऋणायन मतलब क्या होता है, जिसमें निगेटिव चार्ज लगा होता है। तो ये जो आपका प्राइमरी वैलेंसी है वो हमेशा ऋणायन से ही संतुष्ट होगी, वो ऐसे आयन से संतुष्ट होगी जिसमें जो है वो निगेटिव चार्ज लगा हो। क्लियर हुआ आप लोगों को, धीरे धीरे समझते जाइए, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आते जाएगा। अभी हो सकता है मे भी आप लोगों को समझ ना आ रहा हो, लेकिन अब आगे हम बढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को सारी चीजें जो है वो क्लियर होते जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं द्वितीयक संयोजकता क्या होता है, जिसे हम सेकेंडरी वैलेंसी भी कहते हैं। तो इसे जो है वो हम ठोस रेखा से दर्शाते हैं और यह लिगेंडो से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्मों से जो है वो संतुष्ट होती है। अब आपने प्राइमरी वैलेंसी के बारे में तो देख लिया कि प्राइमरी वैलेंसी को हम जो है वो डैश 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 करके लिखते हैं और ये जो है वो Cl- जहां पे निगेटिव चार्ज रहता है उससे जो है वो कनेक्ट होता है। तो ये तो इस कंपाउंड की जो है वो ये जो CO है उसकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई, मतलब जो प्राथमिक संयोजकता है वो हो गया। अब हम अगर बात करें द्वितीयक संयोजकता की मतलब सेकेंडरी वैलेंसी की, ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो जो है वो लिगेंडो से संतुष्ट होते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप CO देख रहे हो 6 लिगेंड से जो है वो जुड़े हुए हैं। लिगेंड क्या होता है, जो कि केंद्रीय आयन से जो है वो कोई बॉन्ड बना करके जो है वो जुड़े हुए हैं। ये लिगेंड भी जो है वो इलेक्ट्रॉनों की जो है वो साझेदारी करके इस कोवाइल के साथ आकर के जो है वो बॉन्ड बना लिए हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसकी द्वितीयक संयोजकता की बात करें मतलब सेकेंडरी वैलेंसी की अगर हम बात करें तो इनकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है यहाँ पे 6 है। आप गिन करके देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो प्राइमरी वैलेंसी कितना है, 3 है और सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, 6 है। और प्राइमरी वैलेंसी को हम कैसे दर्शाते हैं, डैश 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 करके, और सेकेंडरी वैलेंसी को हम कैसे दर्शाते हैं, स्ट्रेट लाइन खींच करके। प्राइमरी वैलेंसी किससे संतुष्ट होती है, ऋणायन से। सेकेंडरी वैलेंसी किससे संतुष्ट होती है, इन लिगेंडो से। क्लियर हुआ आप लोगों को। तो वर्णन ने जो पहला थ्योरी पहला पॉइंट जो उन्होंने बताया था वो आप लोगों को क्लियर हुआ, बहुत ही इजी है। केंद्रीय जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी जो है वो दो प्रकार की संयोजकता होती है, पहला तो प्राइमरी संयोजकता और दूसरा सेकेंडरी संयोजकता, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो दोनों ये जो मैंने 5 पॉइंट लिखा हुआ है उसे आप जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि मे भी अगर आप लोग बुक में देखोगे तो ये आप लोगों को सही बता रही समझ में नहीं आएगा। मैंने आप लोगों को आपके लैंग्वेज में इसे जो है वो लिखने की कोशिश की है ताकि ये आप लोगों को बहुत ही जल्दी जो है वो समझ में आ जाए। तो हो सके तो इसे नोट आप जरूर कर लें। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। ये जो आपका डायग्राम है मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाया हुआ था, बट ये एग्जाम्पल मुझे उतना अच्छा नहीं लगा तो मैंने दूसरा एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों को समझाया हुआ है। तो ये एग्जाम्पल आप लोग मत लिखिएगा। पहला पॉइंट तो आप लोग इतना ही लिखिएगा कि यहाँ पे दो प्रकार की वैलेंसी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी को हम डैश 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 करके लिखते हैं और सेकेंडरी को हम स्ट्रेट लाइन करके जो है वो लिखते हैं। दोनों क्लियर हुआ आप लोगों को।
तो चलिए अब हम आगे और भी इसके कुछ कुछ थ्योरी जो है वो देख लेते हैं। प्रत्येक धातु परमाणु की अपनी दोनों संयोजकता को संतुष्ट करना चाहता है। प्रत्येक धातु परमाणु अपनी दोनों संयोजकता को संतुष्ट करना चाहता है। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये जो सेंट्रल मेटल है मतलब कोबाल्ट है वो अपनी दोनों प्रकार की संयोजकता को सेटिस्फाई करना चाहता है, मीन संतुष्ट करना चाहता है। कहने का मतलब है यहाँ पे संतुष्ट करना मतलब आप समझ रहे हो ना कि मतलब दोनों से जो है वो प्रॉपर बॉन्ड बनाना चाहता है, यहाँ पे जो है वो यही कहा जा रहा है। तो सेकंड पॉइंट भी आप लिख सकते हो, ये जो सेंट्रल मेटल है वो अपनी दोनों संयोजकता को संतुष्ट करना चाहता है। प्रत्येक धातु आयन की द्वितीयक संयोजकताएं निश्चित होती है। अगर हम इस कोबाल्ट की बात करें, धातु आयन मतलब सेंट्रल आयन, ठीक है, इसकी बात करें तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है मतलब यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी कितना है इसका, 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका जो नंबर है वो निश्चित होता है, इसमें यही कहा गया है। चौथा पॉइंट हम देखते हैं, द्वितीयक संयोजकताएं त्रिविम में निश्चित दिशाओं में स्थित होती है। जैसे निकिल की द्वितीयक संयोजकता 4 होती है तो यह चतुष्फल की होती है। अब देखो पहले यूनिट में आप लोगों ने काफी बार पढ़ा हुआ है, डी ब्लॉक के एलिमेंट में आप लोगों ने देखा है, आप लोग वहां पे कॉम्प्लेक्स बनाते थे और उसकी संरचना लिखते थे, मतलब जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स है वो किस प्रकार की संरचना जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो डिपेंड करता है कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, कितने आयनिक जो भी एटम है वो जुड़े हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसकी संरचना बनती है। जैसे कि चतुष्फल की, अष्टफल की, मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो इसे यही कहा जा रहा है कि ये जो मतलब जो भी आपका कंपाउंड है उसका जो है वो एक निश्चित संरचना होती है, यही जो है वो कहा जा रहा है। तो इतना तो आप लोगों को समझ आया, ये है आपका वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, बहुत ही इजी है और इसे कॉपी जब जरूर कर लीजिएगा। तो अब हम देखेंगे कुछ कुछ एग्जांपल, और कभी कभी ये भी आ जाता है कि वर्नर सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन कीजिए, मतलब आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा और उस कंपाउंड को देख करके जो है वो आपको डायग्राम बनाना है, और ये जो आप डायग्राम बनाओगे आपको मॉडर्न तरीके से नहीं बनाना है, उसे पुराने समय में कैसे डायग्राम बनता था उसके अकॉर्डिंग जो है वो बनाना है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को डिफरेंस बता ही दिया है, डिफरेंस क्या है, पुराने समय में क्या है, यहाँ पे कोष्टक वगैरह नहीं लगता था, लेकिन अब जो है वो, अब जो भी साइंटिस्ट लोगों, जो भी साइंटिस्ट है उन्होंने जो जो नए नए थ्योरी दिए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे कोष्टक भी लगता है, जो भी ब्रैकेट वगैरह है ना, आगे आप देखोगे, अभी तो नहीं समझोगे, आगे आप देखोगे कंपाउंड के बाहर जो है वो ब्रैकेट लगा रहता है, तो यहाँ पे अभी भी ब्रैकेट नहीं है। तो यही आप गलती कर सकते हो कि अगर क्वेश्चन आया है कि वर्नर सिद्धांत के अकॉर्डिंग आपको जो है वो डायग्राम बनाना है तो आप लोगों को कोष्टक नहीं लगाना है, क्योंकि पहले कोष्टक नहीं लगता था। क्लियर हुआ? तो ये वाला तो एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा ही चुकी हूँ, COCl3 6NH3 ल्यूटियो कोबाल्टी क्लोराइड। तो इस संकुल को जो है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम मॉडर्न तरीके से लिखेंगे तो इसे जो है वो हम कोष्टक लगा करके भी जो है वो लिख सकते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि Cl- जो है वो आयनिक होते हैं, और 6NH3 लिगेंड, यहाँ पे आप देख रहे हो 6NH3 लिगेंड है, वो CO3+ धातु आयन के साथ जो है वो जुड़े होते हैं। लिगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके जो है वो इस सेंट्रल एटम से जो है वो सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन से जो है वो जुड़ जाते हैं। ये आप लोगों को क्लियर हुआ? तो चलिए अब हम सेकंड एग्जांपल जो है वो इसका स्टार्ट करते हैं। पे हम जो है वो इसका सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड COCl3 5NH3H2O। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आसान है, CO के साथ कितना Cl जुड़ा हुआ है, 3 Cl जुड़ा हुआ है, जो कि क्या है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, डैश 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 करके हम जो है वो लिखते हैं, मतलब ये Cl में जो है वो कहीं ना कहीं निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हम जो है वो तीनों को जो है वो जोड़ देंगे डैश 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 करके, 5NH3 है यहाँ पे, 5 यहाँ पे लिगेंड यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है, और H2O भी है, तो NH3 और H2O को हम जो है वो ऐसे जोड़ देते हैं, बन गया आप लोगों का डायग्राम। यही है वर्नर का कोऑर्डिनेशन थ्योरी, जो कि काफी इजी है, और भी एग्जांपल होंगे आपको बुक में मिल जाएंगे, तो कम से कम 5-6 एग्जांपल की आप तैयारी कर लीजिए, हो जाएगा आप लोगों का। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस नोट्स के सारे, इस चैप्टर के सारे नोट्स आप लोगों को मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिलते जाएंगे गाइस, तो चेक जरूर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।